अस्सलाम वालेकुम। लेट की रिटर्न टेस्ट में अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तानी स्टडी, जनरल नॉलेज और इस्लामियत के अहम तरीन क्वेश्चन जिनके लेट के रिटर्न टेस्ट में आने के बहुत चांसेस हैं। वीडियो के सेकंड पार्ट में एमसीक्यूज टेस्ट भी लिया जाएगा, उसे भी ज़रूर अटैम्प्ट करें। सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेज इज, मुसलह अफवाज का सुप्रीम कमांडर कौन होता है? प्रेजिडेंट। विच गवर्नमेंट सिस्टम बाई दी 1962 कॉन्स्टिट्यूशन, 1962 के आयन के मुताबिक कौन सा हुकूमती निज़ाम लागू हुआ? रेजिडेंशियल यानी कि सदारती निज़ाम। वेयर इज थल डिजर्ट, थल रेगिस्तान कहाँ है? पंजाब में। व्हेन पाकिस्तान बिकेम न्यूक्लियर पावर, पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर कब बना? 1998 में पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर बना। विच इज़ दी एंशंट सिविलाइजेशन इन पाकिस्तान, पाकिस्तान की कदीम तहजीब कौन सी है? मोहिंजोदड़ो। सरदार अब्दुल रब निश्तर वाज गवर्नर ऑफ, सरदार अब्दुल रब निश्तर किस सूबे के गवर्नर थे? जवाब है पंजाब के। सरदार अब्दुल रब निश्तर सूबे पंजाब के पहले मुस्लिम गवर्नर थे। विच वन इज़ दी अपर हाउस इन पार्लियामेंट, पार्लियामेंट का ऐवान बाला कौन सा है? उसे कहते हैं सेनेट। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लेट टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चैनल पर 70 से ज़्यादा लेट की टेस्ट प्रिपरेशन वीडियोस मौजूद हैं और मजीद वीडियोस भी हम आपके लिए लाते रहेंगे। हु सजेस्टेड पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम, पाकिस्तान का मयारी वक्त किसने तजवीज़ किया? जवाब है महमूद अनवर ने। इंटरनेट पर काफ़ी जगह पर इसका जवाब मोहम्मद अनवर है जो कि गलत है। हु इलेक्ट्स द प्रेजिडेंट बाई द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन, 1973 के आइन के मुताबिक सदर का इंतखाब कौन करता है? जवाब है बोथ ऑफ देम यानी नेशनल असम्बली और सैनेट मिलकर सदर का इंतखाब करती हैं। वेयर इज द बिगेस्ट साल्ट माइन इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में नमक की सबसे बड़ी खान कहाँ है? जवाब है झेलम में, जिसका नाम है खेवड़ा कान। विच इज़ द स्पेस एजेंसी ऑफ अमेरिका, अमेरिका की खलाई एजेंसी कौन सी है? उसे कहते हैं नासा। सिंगापुर वॉज सेपरेटेड फ्रॉम विच कंट्री, सिंगापुर किस मुल्क से अलग हुआ? सिंगापुर मलेशिया से अलग हुआ था। विच कंट्री हैज़ द हाइएस्ट ऑयल रिजर्व, सबसे ज़्यादा तेल के जखायर किस मुल्क के पास हैं? जवाब है वेनेजुएला के पास। वेनेजुएला अब वो वाहिद मुल्क बन चुका है जिसके पास सबसे ज़्यादा तेल के ज़खायर हैं। इससे पहले पहले नंबर पर था सऊदी अरेबिया जो अब दूसरे नंबर पर आ चुका है। अमेरिकन प्रेसिडेंट टर्म इज फोर, अमरीकी सदर की मुद्दत कितनी होती है? जवाब है फोर ईयर्स, चार साल तक। हेडक्वार्टर ऑफ द यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ है? ब्रुसेल्स में। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी इन द वर्ल्ड, दुनिया में चाय का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन सा मुल्क है? जवाब है चाइना। कैंगरू इज द नेशनल एनिमल ऑफ विच कंट्री, कैंगरू किस मुल्क का कौमी जानवर है? ऑस्ट्रेलिया का। आइफिल टावर इज बिल्ट इन विच सिटी ऑफ फ्रांस, आइफिल टावर फ्रांस के किस शहर में बनाया गया? ईजी क्वेश्चन है जो लेट के पास पेपर में आया है। जवाब है पेरिस में। हु वॉन द फुटबॉल वर्ल्ड कप इन 2018, 2018 का फुटबॉल वर्ल्ड कप किसने जीता था? फ्रांस ने। कैपिटल पनिशमेंट मीन्स, कैपिटल पनिशमेंट से क्या मुराद है? इसका मतलब होता है डेथ पेनल्टी यानी कि सजाए मौत। जबूर वाज रिवील्ड ऑन, जबूर किस नबी पर नाजिल हुई? हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर। हाउ मेनी क्लॉजेस डिज द ट्रीटी ऑफ हुदैबिया कंटेन, मुआहिदा हुदैबिया की कितनी शिकें हैं? जवाब है सात शिकें हैं। हाउ मेनी मुस्लिम्स पार्टिसिपेटेड इन द बैटल ऑफ हुनैन, जंगे हुनैन में कितने मुसलमानों ने हिस्सा लिया? 12,000 मुसलमानों ने। ये वो वाहिद जंग थी जिसमें सबसे ज़्यादा मुसलमानों ने हिस्सा लिया था। मिसाक मदीना ट्रीटी वॉज साइंड बिटवीन मुस्लिम एंड, मिसाक मदीना का मुआहिदा मुसलमानों और ब्लैंक के दरमियान हुआ।
जवाबे ज्यूज़ यानी कि यहूदियों के दरमियान। मिसाके मदीना का मुआहिदा मुसलमानों और यहूदियों के दरमियान हुआ। इन हाउ मेनी बैटल्स द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टुक पार्ट, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी जंगों में हिस्सा लिया? जवाब है 28 जंगों में। हु वाज अवार्डेड द टाइटल ऑफ स्वर्ड ऑफ अल्लाह, अल्लाह की तलवार के लकब से किसे नवाजा गया? खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को। प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम हैड ब्लैंक डॉटर्स, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी बेटियां थीं? जवाब है 4। हज़रत अबू बकर वाज द मर्चेंट ऑफ, हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु किस के सौदागर थे? जवाब है क्लॉथ यानी कपड़े के सौदागर थे। हु प्रपोज टू डिग अ ट्रेंच खंदक इन द बैटल ऑफ ट्रेंच, खंदक की जंग में खंदक खोदने की तजवीज़ किसने दी? हज़रत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु ने। वट इज़ चार्ज ऑन एग्रीकल्चर लैंड, ज़रई ज़मीन पर क्या चार्ज किया जाता है? उसे कहते हैं अशर। यहाँ से स्टार्ट होता है वीडियो का सेकंड पार्ट, जिसमें आपसे लिया जाएगा एमसीक्यूज टेस्ट, ताकि आपकी लेट टेस्ट की तैयारी अच्छी हो सके। जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं उन्हीं के एमसीक्यूज को करना है आपने सॉल्व। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपने 30 में से कितने मार्क्स हासिल किए। लेट्स स्टार्ट द टेस्ट।
वीडियो से अगर आपने कुछ भी सीखा हो तो लाइक करके ज़रूर बताइएगा। मज़ीद टेस्ट प्रिपरेशन के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।